हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम हैं राबांगला में और कुछ देर पहले हम विजिट कर रहे थे राबांगला का फेमस बुद्धा पार्क, जहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार था। और अभी आप देख सकते हैं हम आ पहुँचे हैं होटल हिल टॉप राबांग रिसोर्ट पे, जो कि आज हमारा ठिकाना होने वाला है। तो चलिए। गाइस, आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हमारे रिसोर्ट पर, होटल हिल टॉप राबांग रिसोर्ट। रास्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही स्टीप था, और हमारे ड्राइवर ने बहुत ही सावधानी से हमें पहुंचा दिया यहाँ पे। तो हम जाएंगे अंदर, सामान निकालेंगे और जाएंगे अंदर। चलिए। दोस्तों, हम आ गए हैं रिसेप्शन काउंटर पे, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है। यहाँ पे देखिए फ्रंट डेस्क पे लिखा हुआ है विजिटर्स मस्ट साइन इन, लेकिन चेक इन कराने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। हेलो एनीवन, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेप्शन पे कोई नहीं है। हम बुला रहे हैं, फोन कर रहे हैं उनको, देखें कितनी देर बाद आते हैं। पल 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद यहाँ के जो मैनेजर है वो आए और हमें चेक इन करवाया। चेक इन प्रोसीजर बहुत ही स्मूथ था और हमने पहले ही बुक कर लिए थे ये जगह। हमने 2 रूम्स बुक किए थे और टैरिफ पड़ा था लगभग 6,000 के आसपास। और यहाँ पहुँचने के बाद रूम्स अवेलेबल थे, इसीलिए इन लोगों ने हमें एक बड़े रूम पे अपग्रेड कर दिया। जगह टाइम कितने बजे? यहाँ पे आप देखिए वाईफाई पासवर्ड भी दिया गया है, यहाँ पे फ्री वाईफाई अवेलेबल है। आज काफ़ी ठंड है इस जगह पे, लेकिन ये जगह बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। शायद ये बैम्बू से बनाए हुए, बैम्बू और केन से बने हुए, ऊपर का जो हिस्सा है वो बैम्बू और बैम्बू के जो छाले हैं उनसे बनाए गए हैं। यहाँ पे वुड का भी इस्तेमाल किया गया है थोड़ा। दोस्तों, हमने 2 रूम्स बुक किए और दोनों ही रूम्स हमें अलॉट किए गए फर्स्ट फ्लोर पे। और ये रहा एक रूम, और यहाँ का जो व्यू है बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। बैठने का जगह है सामने खिड़की के पास। यहाँ पे है एक डबल बेड, इंटरकॉम, टीवी, एक ट्रैश कैन, और ये रहा बाथरूम। बाथरूम काफी अच्छा है। यहाँ पे स्लीपर और ब्लैंकेट्स है अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल और ड्रॉयर खाली है। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा है, और व्यू तो मज़ेदार है यहाँ से, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। और शाम ढलने को है। चलिए देखते हैं दूसरा रूम कैसा है। इससे दूसरा रूम थोड़ा सा बड़ा है, इसके बगल में ही है दूसरा रूम, ये रहा। और ये रहा दूसरे रूम का वॉशरूम, ये भी काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा है।
एंथ्रेंस। पहले वाले रूम से एरिया में ऑलमोस्ट डबल है और यहाँ पे दो डबल बेड्स है, बाकी सब सिंगल है। लेकिन इस रूम में दो साइड पे बहुत सारे खिड़की हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो खिड़की से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं और लाइट यहाँ पे सफिशेंट है। यहाँ पे एक बेंच है, टीवी है और सामने इस तरफ ये रहा दो बेड्स। बेड्स भी यहाँ के लोकल लकड़ी से बनाए गए हैं और ये रहा यहाँ पे एक छोटा सा बैल्कनी है, आप देख सकते हैं जो पहले वाले रूम में नहीं था। बैठने का जगह है, दो छोटे छोटे चेयर्स है और वो रहा हमारे कार। और यहाँ से दूसरे सामने का जो गार्डन है बहुत खूबसूरत है, एकदम पार्क जैसा लग रहा है। और इस बैल्कनी से शाम की जो स्काई लाइन है इस जगह का खूबसूरत लग रहा है बहुत। यहाँ पे थोड़े थोड़े बादल है, डूबते सूरज की किरणें इस बादल पे गिर रहे हैं, लाल जो रोशनी है वो हमें दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइस चलिए चलते हैं नीचे, वहाँ पे एक ग्रीन प्लेटफॉर्म हमें दिख रहा है, वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ कॉटेज के बाहर और यहाँ पे लाइट बहुत ही कम हो गई है, सूरज ऑलरेडी डूब चुका है और अभी अंधेरा होने ही वाला है। तो जितना हो सके मैं जल्दी आपको दिखा देता हूँ इस जगह में। कल सुबह मैं आपको ये जगह फिर से एक बार अच्छी तरह से दिखाऊंगा, लेकिन ये जगह बहुत ही सुंदर है इसीलिए मैं आपको अभी एक फर्स्ट लुक दे देता हूँ। चलिए देखते हैं इस एलिवेटेड व्यूइंग प्लेटफॉर्म से एक व्यू कैसा आता है। मेरे दोस्त ऑलरेडी यहाँ पे आ पहुँचे हैं और मैं भी यहाँ पे आ गया हूँ, चलिए देखते हैं कैसा है यहाँ से व्यू। हालांकि लाइट अभी बहुत कम हो गई है और शाम होने को है अभी, लेकिन फिर भी यहाँ से जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। वेल गाइज आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ मेरे होटल हिल टॉप राबोंग के एकदम सामने। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, व्यूइंग प्लेटफॉर्म, यहाँ से आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं 360 डिग्री। और ये रहा हमारा रिसॉर्ट, यहाँ पे हमारे रूम से ऊपर ये दो रूम्स, और यहाँ से आप देख सकते हैं दूर वहाँ पे बुद्धा पार्क राबांगला तथागत स्थल, और यहाँ से एकदम क्लियर पहाड़ियों का नज़ारा आप देख सकते हैं। सुबह शायद इस तरफ कंचनजंगा का व्यू भी आपको मिल जाए। तो अभी शाम होने को है और हमने बहुत दूर का रास्ता तय किया है अभी। और नीचे आप देख सकते हैं हमारे फ्रेंड्स वो घूम रहे हैं कंपाउंड में, या नीचे भी बैठने का जगह है। आप देख सकते हैं सामने वुडन पूरा लकड़ी से बनाया हुआ, और इस साइड में भी होटल का रिसॉर्ट का एक पार्ट है, यहाँ पे भी रूम्स है। तो सब मिला के बहुत अच्छा सेटअप है। वेल दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे रात को। गुड इवनिंग गाइज, शाम के 7:30 बज रहे हैं और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉन फायर का अरेंजमेंट किया जा रहा है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। हे गाइज आप देख सकते हैं हम अभी रिसॉर्ट में एक बॉन फायर कर रहे हैं, यहाँ पे आग जल रही है और हम बैठे हैं यहाँ पे। लाइट यहाँ पे थोड़ा कम है क्योंकि सिर्फ यहाँ पे आग ही जल रहा है और कोई लाइट नहीं है। और आज हमारे होस्ट है एलेक्स, इन्होंने आज अच्छा स्वागत किया है हमारा यहाँ पे, और ये बहुत ही फ्रेंडली है। तो काफी सर्दी है यहाँ पे और आग जलाने के बाद अभी बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ अंधेरा है आप देख सकते हैं, सिर्फ लाइट्स दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और अब एलेक्स हमें एक रैप सॉन्ग सुनाएंगे। ये यूट्यूब में मशीन पिस्टल्स नाम के एक चैनल के ओनर है और वहाँ पे रैप करते हैं। सो गाइज यू कैन चेक आउट इस चैनल एंड अभी चलिए सुनते हैं एलेक्स का रैप।
से बेचन सो उनको बनना पड़ेगा थोड़ा वो लगता है ना थोड़ा डर डर लगता है। शुरू तो कीजिए बाकी का इंतजाम हम कर देते हैं ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। All comes and making me psycho. Let's become very very like the psycho. All the kids run slow. I'm gonna get it. I'm gonna make it on the top. You're gonna write code. This is how I make it on the psycho. I'm feeling like a very much psycho. I wanna walk on death path. Who all Tupac Dr. J walked in. I just wanna become at the one night. I just wanna become at the top night. इसके साथ ही वक्त आ गया है हमारे डिनर करने का। तो गाइस आज की एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे एक्सपीरियंसेस होटल हिल टॉप रबोंग रिसोर्ट पे, जहां हम आपको दिखाएंगे एक नए सुबह का नज़ारा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो आज हमारे चैनल में नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि हम हर हफ्ते नए ट्रैवल वीडियो अपलोड करते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ ट्रैवल सेफ।